हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। तो जैसे कि कल की वीडियो में रिक्वेस्ट आई थी कि रॉक का यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच हो दी अंडरटेकर के साथ, तो फटाफट चैम्पियनशिप हम सिलेक्ट करके मैच को फटाफट करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना और नीचे कमेंट में सजेशन करना अगली वीडियो का। बाकी यार, वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे हो, थोड़ी कंजूसी दिखा रहे हो। अपने भाई को फुल ऑन सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से कर दो सब्सक्राइब। इस मैच में मैंने रॉक का भी फिनिशर भाई दिया हुआ अंडरटेकर वाला, तो दोनों के सेम फिनिशर होंगे तो उसका मज़ा ही अलग होगा। स्टार्टिंग में किसी के पास फिनिशर नहीं है, फिनिशर कमाना पड़ेगा भाई दोनों को। फिलहाल तो रॉक के ऊपर भारी चल रहे अंडरटेकर, बस रॉक को रिवर्सल कहो भाई, कर लिया रॉक ने रिवर्स। आप देखते हैं कि रॉक कितना भारी चलेगी अंडरटेकर के ऊपर। जबरदस्त मूव, बिग क्लोज लाइन अंडरटेकर को रिंग के कॉर्नर में, सबमिशन लॉक लगा दिया, स्लीपर होल्ड। इतनी आसानी से तो टिप आउट होने वाला नहीं है, वो भी सुबह ही सुबह मैच के स्टार्टिंग में। तो भाई अंडरटेकर भी, वैसे मैं बता दूं कि पिनफॉल इतनी आसानी से होंगे नहीं, दो फिनिशर से तो होंगे नहीं मुझे ऐसा लगता है। तो देखते हैं कि अंडरटेकर अपने ही फिनिशर से कैसे किकआउट करेंगे, क्योंकि सामने वाली की फिनिशर तो किकआउट हो सकती है, डिफ़िकल्ट होता है भाई अपना फिनिशर रिवर्स करना, यानी कि किकआउट करना उस फिनिशर पर। फिलहाल तो दोनों भाई नेक टू नेक जा रहे। अभी अंडरटेकर स्टाइल मारने के ऊपर आ गए डेड मैन वाली, और रॉक ने दे मारा अपना DDT अंडरटेकर को। मतलब क्या ही फालतू गिरी अंडरटेकर ने किया, सामने खड़ा हुआ इतनी जल्दी भाई, रेफरी रोक रहे रॉक को कि इतना ज़्यादा गर्म दिमाग नहीं बनो नीचे जाके। ओ भाई क्लोज लाइन, अंडरटेकर चले गए। एक और मैं बात बता दूं गाइस कि ये रोमन रेंस वाला चैम्पियनशिप नहीं है, वो अनडिस्प्यूटेड है, ये है यूनिवर्सल। तो धीरे धीरे करके हम आहिस्ता आहिस्ता सारे ही चैम्पियनशिप जिताएंगे एक एक करके, बारी बारी एंड में पहुंचाएंगे रोमन रेंस के पास। भाई कितना मारोगे नीचे, बहुत गंदा डैमेज दे रहा है रॉक। हेड येलो है वैसे रॉक की, भाई बैरिकेड तोड़ दिया, मतलब के भाई साहब बहुत खतरनाक रॉक। मगर मजे की बात तो चेक करो, अभी तक बॉडी डैमेज नहीं है इतना, मतलब येलो भी नहीं है ना ही हेड। सात काउंट पे फौरन ही याद आ गया अंडरटेकर को रिंग के अंदर भी जाना है, कवर कर लिया अंडरटेकर ने रॉक को। भाई चैम्पियनशिप का सवाल है, रॉक ने कर दिया किक आउट। रॉक के पास सिग्नेचर आ चुका है, अब देखते हैं कि रॉक, ओ भाई अंडरटेकर मौका ही नहीं दे रहे सिग्नेचर के लिए। अंडरटेकर ने फिर से स्टाइल मारने लग गए, रॉक खड़े हो गए। भाई रॉक थोड़ा इस बार लेट हो गए, वरना कुछ हो सकता था रॉक की तरफ से। अंडरटेकर का भी सिग्नेचर आ चुका है, अंडरटेकर ने अपना सिग्नेचर लगा दिया भाई साहब, बहुत ही खतरनाक। अंडरटेकर ने अपना सिग्नेचर लगा के कवर कर लिया रॉक, ज़रा से ध्यान से क्योंकि चैम्पियनशिप का सवाल है। रॉक ने कर दिया किक आउट, बॉडी येलो कर दी रॉक की, रेफरी से टकरा गया भाई, ये क्या सीन था भाई। रेफरी को अगर थोड़ा सा भी लग जाए ना तो वो स्लो काउंट करता है, अभी चेक करना, मतलब मर मर के। तो रेफरी को टच नहीं होने देना है, दोनों की बॉडी हेल्थ येलो है, सिग्नेचर लगाएगा मेरे ख्याल से भाई। रोक करना क्या चाह रहे हो, अपना सिग्नेचर वग्नेचर देना है या नहीं, या ये चैम्पियनशिप हार के अंडरटेकर के हाथों देनी है। भाई हाई रिस्क लेके एल्बो ड्रॉप, रोक की तरफ से फिनिशर, हाँ फिनिशर आ चुका है भाई, और अंडरटेकर वाला फिनिशर लगा लिया, क्योंकि ये मूव थी रोक है तो ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, सामने वाले का फिनिशर भी छीन के लगा सकते हैं, और वैसे भी हमने दिया हुआ है। रोप ब्रेक ने तो बचा लिया अंडरटेकर को, दूसरा फिनिशर। भाई हेल्थ चेक करो, बिल्कुल भी नज़र भी नहीं आ रहा,
भाई रिवर्स कर दिया, घुमा के रोक कोई फिनिशर दे दिया अंडरटेकर ने, मतलब रोक को भारी पड़ गया और ये एक और फिनिशर आने वाला है रोक को। भाई लगता है काम तमाम हो गया रोक का, हेड तो वैसे ही डैमेज था। रोप ब्रेक ने बचा लिया, बहुत आला, वैसे रोप ब्रेक बचा ही लेता है तकरीबन, सिंगल मैच में बंद ही रखे तो अच्छा है, क्योंकि बार बार रोप ब्रेक जो है ना काम फिर ख़राब करता है, जिसको जीतना होता है वो भी नहीं जीत पाता। हारने वाले का तो कोई ऐसा सीन नहीं है, चोक स्लैम लगा दिया भाई साहब। भाई अब तो गया, कवर नहीं किया, दोबारा फिनिशर लगाने की कोशिश की, मगर इस बार कर दिया रिवर्स, मतलब छीन लिया रोक ने फिनिशर को अंडरटेकर से। रोक स्टंट हो गया फिलहाल तो, अंडरटेकर बहुत गंदा मार रहा है यार, मतलब 100 ओवरऑल वाला भी जो है ना ऐसे यूं पिट रहे अंडरटेकर के आगे, तो क्या ही बोले अंडरटेकर के बारे में। रिवर्स कर दिया रोक ने, भाई रोक दोबारा से फिनिशर लगाने वाला था अंडरटेकर वाला, रिवर्स कर दिया बहुत आला भाई, रिवर्स पे रिवर्स दोनों के, फौरन से खड़े हो गए रोक और ड्रॉप किक दे दिया अंडरटेकर को। अंडरटेकर जितना नीचे डाउन रह सकते हो रह लो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रोक की तरफ से अब आने वाला फिनिशर। हाथ पैरों को बहुत डैमेज कर लिया रोक, फिनिशर रोक की तरफ से भाई साहब, कहा था मैंने कि अब फिनिशर आने वाला है रोक की तरफ से, और ये फिनिशर कनेक्ट कर लिया भाई, रोप ब्रेक ना हो जाए, दोनों ही थके हुए हैं, रोक भी थक गया है भाई, फिनिशर लगाने के बाद उठा ही नहीं कवर करने के लिए, ड्रेक करके साइड पे ले गए, थोड़ा दिमाग लगाया भाई रोक ने अपना कि रोप ब्रेक ना हो जाए। भाई साहब ये क्या सीन था, अनएक्सपेक्टेड, मुझे नहीं लगा था कि यूं किकआउट होगा भाई। डेड मैंने दो तीन फिनिशर से तो मैंने पहले ही बोला था नहीं जाएंगे, और दे दिया भाई साहब अपना फिनिशर। रोक के पास रेजिलेंस है भाई, रोक यूज़ कर देना तो मैं कसम है भाई, कसम से यूज़ कर लेना भाई, कसम दिया मैंने। रोक ने यूज़ कर लिया, बस अब फिनिशर ना लगे रोक को, क्योंकि जो भी था सब इस्तेमाल कर लिया दोनों ने। रोक के पाव ऐसे फिनिशर आने वाला, पता नहीं कुछ बोला कान में, कोई गाली वाली दी मेरे ख्याल से अंडरटेकर को। फिनिशर आ चुका है और फिनिशर लगा दिया अपना रोक ने, रिवर्स कर सकते अंडरटेकर, मगर नहीं अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता भाई। दोबारा से फिनिशर लगाने के बाद रोक थके हुए लग रहे मेरे को, रोक जल्दी से कवर कर लो, रोक फिर से दिमाग लगा के थोड़ा ड्रेक करके साइड करेंगे रोप ब्रेक से बचाने के लिए, कवर कर लिया रेफरी, जल्दी जल्दी काउंट कर दो भाई 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 भाई, रोक बन गया हमारे न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन अंडरटेकर को डिफीट करके, बहुत ही ख़तरनाक रोक, और टाइटल तो भाई क्या ही जच रही है रोक के हाथों। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बाकी चैनल पे नए हो या फिर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से कर दो सब्सक्राइब, बिल नोटिफिकेशन कर दो ऑन। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और नीचे कमेंट में अच्छा सा कमेंट कर देना अगले मैच के लिए, बाकी गुड बाय, टेक केयर।